काफ़ी ट्रिकी एलिवेशन से इन सारी की सारी बिल्डिंग्स के, बल्कि दुबई मरीना वाली फीलिंग आ रही थी, यानी कि क्लासिक टच दिया गया सारी की सारी बिल्डिंग्स को। एल्युमिनियम ग्लास के एलिवेशन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे और फाइनल फिनिश भी आपको ज़्यादातर जो है ना ऑफ वाइट और एश वाइट शेड में नज़र आएंगे इस सारी की सारी बिल्डिंग्स के। इस तरह का जो स्टाइल है कंस्ट्रक्शन का या हाई राइज बिल्डिंग्स का, वो ज़्यादातर अपार्टमेंट्स का स्टाइल होता है इस तरह का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और आप लोग देख रहे हैं इंडोपाक रिएक्शंस। तो यार ऐसा है कि आज मैं इंडिया का एक और सिटी देखने जा रहा हूँ। इसको लग्जरी सिटी बोलें, मॉडर्न सिटी बोलें, नया सिटी बोलें, कुछ भी कह सकते हैं इसको। इस सिटी का नाम है थाने सिटी। पिछले काफ़ी दिनों से इसकी बहुत ज़्यादा लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी इस सिटी को देखने के लिए। आप लोगों को पता है कि मैं इंडिया के ऑलरेडी काफ़ी सारे सिटीज़ देख चुका हूँ, आपको सारी की सारी वीडियोस जो हैं मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो अभी तक मैंने जितने भी सिटीज़ देखे हैं इंडिया के, सारे सिटीज़ की फील अपनी अपनी है। सारे के सारे सिटीज़ ही लग्जरी हैं, बल्कि एक से बढ़कर एक सिटीज़ हैं सारे के सारे। ये वीडियो जो है SN क्रिएशन चैनल की वीडियो है। मैं इनकी पहले भी वीडियोस देख चुका हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये लोग कंटेंट बनाते हैं। आपको इनके चैनल का लिंक और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन की टॉप पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके लाजमी चेकआउट करना और मेरे साथ मिलकर थाने सिटी लास्ट तक देखना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो भी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट और इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करना। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। Thane and Mumbai is a different city. Better experience. Consultancy services. Night view. जबरदस्त यार, जबरदस्त।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, छोटी सी वीडियो थी। तो यार वीडियो तो बहुत ही छोटी थी लेकिन वीडियो है बहुत ज़बरदस्त थी। आज फाइनली फिर मैंने थाने सिटी देख ही लिया आखिरकार। जब मैं वीडियो देख रहा था तो मुझे गुड़गांव वाली फीलिंग आ रही थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे ये वीडियो और ये सिटी सजेस्ट किया देखने के लिए। अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो यार आप लोगों ने भी इस वीडियो के स्टार्ट में पढ़ा होगा कि थाने को और मुंबई को लोग एक ही सिटी समझते हैं। इतना तो खैर अब मुझे भी समझ आ गया कि नाम दोनों के अलग अलग हैं, यानी थाने अलग नाम है, मुंबई अलग नाम है, तो इसका मतलब है कि सिटी भी अलग अलग ही होंगे। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने क्यों मेंशन किया है, या आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इसकी क्या वजह है कि लोग एक ही सिटी समझते हैं इन दोनों सिटीज़ को। और अगर मैं थाने सिटी की बात करूँ तो मैंने इस पूरी वीडियो के दौरान एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, पता नहीं आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है या नहीं की, कि इस पूरे सिटी के अंदर जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं, बल्कि हाई राइज ही थी सारी, कुछ छोटी बिल्डिंग मुझे तो खैर नहीं नज़र आई इस पूरी वीडियो के दौरान, तो उन सब को जो है ना सेम थीम जो है उन सारी बिल्डिंग्स का सेम थीम रखा गया है, यानी कि क्लासिक टच दिया गया सारी की सारी बिल्डिंग्स को। अगर मैं इनको कंपेयर करूँ मुंबई पुणे कोलकाता वगैरह में जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके साथ अगर मैं इसका कंपेरिजन करूँ तो वहाँ पर आपको एल्युमिनियम ग्लास के एलिवेशन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, जबकि इस सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो है ना सारी की सारी जो है ना वो क्लासिक ओल्ड टच दिया गया है सारी की सारी बिल्डिंग्स को, और फाइनल फिनिश भी आपको ज़्यादातर जो है ना ऑफ वाइट और एश वाइट शेड में नज़र आएंगे इस सारी की सारी बिल्डिंग्स के। काफ़ी ट्रिकी एलिवेशन इन सारी की सारी बिल्डिंग्स के, बल्कि दुबई मरीना वाली फीलिंग आ रही थी इस वीडियो को देख कर, जितनी भी सारी बिल्डिंग्स इस वीडियो में दिखाई गई हैं उनको देख कर दुबई मरीना वाली फीलिंग आ रही थी। और जो 70% बिल्डिंग्स इस वीडियो में कवर की गई हैं, जो ज़्यादातर ड्रोन शॉट्स लिए गए हैं इस वीडियो में बिल्डिंग्स के, वो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो हैं वो ज़्यादातर अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि इस तरह का जो स्टाइल है कंस्ट्रक्शन का या हाई राइज बिल्डिंग्स का वो ज़्यादातर अपार्टमेंट्स का स्टाइल होता है इस तरह का। और कमर्शियल हो गया, मॉल्स वगैरह होगी, वो इन बिल्डिंग्स से हट कर हैं। इस वीडियो में इन्होंने थोड़ी सी जो है ना वो उसकी झलक दिखाई है एंड में। खैर ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत सिटी था। एक छोटी सी वीडियो पर मेरा एक छोटा सा रिव्यू था। एस एन क्रिएशन का ओरिजिनल लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। और मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।